सबसे पहले आपको खबर देंगे कि भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर उम्मत मुसलमान में तश्वीश है कोरोना की आड़ में मोदी सरकार के गुंडे मुसलमानों को सरेआम बेहिमाना तशद का निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों पर इलाज के दरवाजे बंद हैं। उधर अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिन्दुस्तान में जिहाद का ऐलान किया जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा है अफगान तालिबान की तरफ ऐसी ट्विटर आरोप शेयर पैगाम में कहा गया की जहाद का फैसला भारत में आरएसएस बीजेपी और ऐसे ही दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अकलीतों पर बेतहाशा मजालिम ढाए जाने की वजह से किया है तालिबान मुजाकरती वफ़द के चीफ ने भी भारत की कारस्थानियों का भांडा फोड़ दिया इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का हिसाब भी चुकाएंगे अफगान तालिबान के ऐलान पर खत्ते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है